मंगा लिया खाना में, खाना में समोसे और जलेबी आपके लिए भी है, आपके लिए समोसे समोसे जो समोसे जलेबी खा गए ना आंदोलन करेंगे वो किस तरह होंगे, लेकिन लगता कि भविष्य में ये लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये कल श्याम रण अनशन पर भी बैठेंगे सरकार नहीं मानेगी तो। अच्छा अगली रणनीति आमरण अनशन की है, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अच्छा कल नमस्कार, मैं अजय भाई पटवारी, दो मिनट बड़ा नारे लगाए हैं, यानी संतरे और केले खा खा के काम चलावे हैं और उरे नारे लगा दे हैं, यानी उरे जूस पियोगे उरे काट जाएंगे, तो सबको राम राम। हाँ राम राम हो गई। नमस्कार नमस्कार, बस मेरे तो ले लियो तो। हाँ सर, तो यो नारे लगाए जाओगे कि मिले भी गा कि मैं हो भी गा? सर हमें लगता है हमें पक्का कामयाबी हासिल होगी। अच्छा यस। कल क्या घंटे रहे थे यहाँ पे? कल हम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहे थे। अच्छा। और हमारा पूरा हरियाणा के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक रहा। तो लग गया कि थे सरकार अगर जूझा रहेंगी? बिल्कुल रहेंगेगी, बिल्कुल रहेंगेगी, क्योंकि हम 24 घंटे कार्य करने वाले कर्मचारी हैं। अच्छा। पटवारी को रात को 12 बजे भी जगा जाता है। अच्छा। और कोई किसी भी पूरे हरियाणा में पूछ लेना, अगर एक पटवारी ये कह दे मैं 6 घंटे रात्रि। पटवारी तो गरीब की बहू है, किसी टाइम जगा लो बाबा, अभी कहनी पड़ेगी। यस बिल्कुल सच्ची बात है, ईमानदारी की बात है ये। कोरोना काल में इन पटवारियों ने जो कि दूर से रोहतक जिले के जो पटवारी थे भिवानी ड्यूटियां हैं, उन्होंने रात को 1-1 बजे खानक से तुसाम से अपने कंधे पे सिलेंडर उठा के कार्य किया है, और आज वो 7 के में 4 शीट है। तो संतरे केड़े खा गए आड़े काम चलाओगे? नहीं सर, तो भूखी मर दिल वाली जलेबी खा गई। अच्छा सच्चाई बात है ये पटवारी बिना खाए पिए शिवानी के तो शाम के रात्रि को भी इनका ठहराव यहीं था। ये जो नाजायज नोटिस मिले हैं ये सोचते हैं कि हमारे में कामयाबी मिले, और 100% कामयाबी मिलेगी क्योंकि ये बेदाग हैं, इन्होंने कोई जुल्म किया ही नहीं है। ये तो वो करते हैं रूल के अनुसार, खसरा गिरदावरी करते हैं, खसरा गिरदावरी में दर्ज करते हैं, मौका पर जाके टीवल है खम्बा है खसरा रजिस्टर में दर्शाते हैं, और फिर वो DDP के माध्यम से इनको ये बता जाता है कि पटवारी ने कर दिया। पटवारी कुछ नहीं करता, पटवारी सिर्फ मौका दर्शाता है कि मौके पर जो चीज़ है। तो कल यहाँ से आवाज़ उठी थी जी कि मगरमच्छों को बचाया जा रहा और आम जैसी मछलियों को मारा जा रहा। देखिए देखिए सत्य बिल्कुल 100% सत्य है इसमें। देखिए रजिस्ट्रिया जो करता है, रजिस्ट्रिया तो उच्च अधिकारी करते हैं, पटवारी का रजिस्ट्री करने का कोई कार्य नहीं है। आज भी मेरे संज्ञान में हमारे ज्ञान पटवारी जी हैं, ये खुद की रजिस्ट्री करवा के दिखाने मान जाऊंगा। कौन सी ज्ञान पटवारी? ये ज्ञान जी। हाँ खुद की रजिस्ट्री कौन क्रॉस को? हाँ सुपारिश करनी पड़ती है उसकी, सिफारिश होगी पटवारी होते हुए? बिल्कुल सिफारिश चलती है, सिफारिश करवानी पड़ती है। वाह एक कहावत फिर आ गई, गणी मम्मा की बाण जी भूखी मरती अंड है। भाई पटवारी आपकी रजिस्ट्री कौन करवा पाओगे तो और क्या करवाओगे? बलवीर जी देखो साहब, मेरा नाम बलवीर सिंह है। हाँ बलवीर जी, मैं हल्का पटवारी हूँ। अच्छा। और मैं ये बताना चाहता हूँ सरकार के सामने, आज से हमने 2-3 महीने पहले पे ग्रेड का मुद्दा उठाया था। पे ग्रेड का मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे को भटकाने के लिए ये कर्मचारियों को लपेटे में ले सके, सरकार की मोनोपोली है। अच्छा। सरकार चाहती है कि पटवारी इस मुद्दे को यदि भुनाएंगे उससे पहले कोई ब्लेम करके इन लोगों को हम मतलब छाटने का काम करते हैं। अच्छा। उनको मतलब इन्वॉल्व करती है इस मैटर में, पर रजिस्ट्री का और पटवारी का कोई रोल नहीं है जी। पटवारी का सिर्फ कार्य यही है मौका तस्दीक करना या जाके मौके पे देखना कौन सी फसल खड़ी है और कितने मरले कितने किराड़ में ये कमरा या बिल्डिंग है वो बताना, खसरा रजिस्टर में इंदराज करना उसका, यही काम है। इसके अलावा मगरमच्छ का नाम भी कौन बता रहा है? मगरमच्छ तो उसका नाम तो मेरा है ना, नाम का तो हमें नहीं पता तो। बट क्या है कि ऊपर के अधिकारी और मतलब अफसर हैं उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो एक छोटे कर्मचारी हैं, हम तो हमारा नॉर्मल काम किसान को कोई कागज उपलब्ध कराना है या रजिस्ट्री के संबंधित कोई कागजात देना है, सिंपल। क्या नाम था? बलबीर सिंह। बलबीर जी लागे थे जलेबी में बावड़े हो रहे थे ना साहब? जलेबी में बावड़े कैसे रहे? और ये कल श्याम रण अनशन पर भी बैठेंगे सरकार नहीं मानेगी तो। अच्छा अगली रणनीति आमरण अनशन की है, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अच्छा कल वही, अब बात आ गई आमरण अनशन की, तो बताए तो क्या इस प्रकार के कदम भी उठाए जा सकते हैं? वो तो जो हमारे कार्यकारिणी की जो फैसला होगा हम उसके अनुसार अपना आगे का प्रोग्राम रखेंगे, अभी तो कोई डिसाइड नहीं। अच्छा
युवा हो भर्ती तो नहीं होते कि सेवा करांगे काम करांगे उस कुर्सी के ऊपर बैठ के ऐसा संविधान के लिए काम करांगे, लेकिन बैठ के धरना पागे एक पटवारी तो आज धरना दे है मैं पटवारी लागूंगा और एक पटवारी लागे लोग धरना दे है कि भैया मना हटाओ की हो सोता समझा समय आना रहे हो। अब ये सरकार ने जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं वो मतलब गलत है, जो बिल्कुल गलत और चलो गलत है तो कोई सीनियर पटवारी बुझूंगा। नमस्कार, आप कोई बुझू सार्थक बात बुझूंगा। आज जो पटवारी की तैयारी कर रहे युवा वो तो सांसद की कोठी पर धरना दे हैं, जो पटवारी लाग रहे हैं वो नु कहे मानव बक्सो मारे गंदी निगाना करो मारे बल्ले ना लगाओ तो मामला के है यो। एक तो लागन की वो लागन तैयारी कर रहे हैं, एक लागे लोग तो धरना देना रहे हैं। मामला ये है गलत किसी के साथ अगर नोटिस दिए जाए तो वो अगला कदम है क्या उसके पास, यही है बचाव के लिए कुछ करेगा तो हमारे साथ गलत हो रहा है यार। काम किसी का है सौंपा किसी को जा रहा है गलत, DTP उनका नोटिस देता है और पटवारियों पर ब्लेम करते हैं वो तो नोटिस पटवारियों कर देते हैं सेना के तहत नोटिस देना चाहिए, DTP उनको देता है परमिशन तो DTP करता है उनको तो माल और कहीं और जा रहा बदनाम पटवारी हो रहा। हाँ ये बिल्कुल सही है भाई साहब, ये करता कोई भरता कोई वाली कहावत है। अच्छा कर तो रहे हैं जो अधिकारी हैं जो जिम्मेवार हैं और जो नीचे तबके हमें दबाने की कोशिश की जा रही है हमारे में आप पे डाल दो। हाँ हमारे ऊपर डाल रहे हैं जो कि सही नहीं है, तो इससे क्या पारदर्शिता आ जाएगी। प्रधान जी आओगे प्रधान जी तोड़ पाड़ेंगे, बाकी बोलने को शर्मा हुए हैं धरना बागे रोड बागे बैठ गए नू को शर्मा हो तो हम धरना रोड पर बैठे हो, लेकिन बोलता नहीं शर्मा हुआ है कि मारी मांग यह है हम नू दुखी पा रहे हैं। प्रधान जी जो आज के युवा पटवारी लगने की तैयारी कर रहे और वो MP के कोठी आगे घेराव कर रहे हैं कि हमें नौकरी दो पटवारी लगेंगे उड़न लग गए लोग पटवारी धरना बाहर बैठे हैं, क्या कहोगे? तो इसमें क्या है हमारे खिलाफ है एक ये सरकार ने मुहिम छेड़ दी। अच्छा अब भाई ये इन्हें रजिस्ट्री जो हुई है इनमें पटवारियों का रोल है। अच्छा जबकि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो मौके पे जो फसल होती है खेत में जाते हैं फसल होती है या कोठड़ा होता है या कोई ट्यूबवेल होता है हम उसको दर्शाते हैं जी, और इसमें रजिस्ट्रियों का जो रोल है सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करता है RC उसको चेक करता है। बताइए जी नई बात बताओ, दूसरा दिन है दूसरा दिन सब्जी भी अलग खा के आए हो करता है बताओ दूसरी बात बताओ अभी तक है ना तो अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आज यहाँ से आवाज उठी है हम अमर अनशन की भी तैयार है अगर हमें न्याय नहीं मिला तो, क्योंकि हम कोई भुगतने वाले नहीं है भाई मार खावा कोई डंडे हम क्यों खावांगे। अभी ना तो कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा हमारे पास आया है अच्छा हमारी मांग सुनने के लिए, न ही कोई प्रशासन का अधिकारी आया है। हम थोड़ी देर पहले अभी DC साहब को ज्ञापन देके आए थे, DC साहब ने कहा था कि मैं इसको FCR साहब के पास भेज दूंगा। तो आप लोगों से पूछा नहीं अधिकारी से भाई आप आज काम बाधित होगा आज काम सारे काम पेंडिंग पड़ जाएंगे, दो दिन की हड़ताल बहुत बड़ी बन जाती देश के अंदर अगर जोड़े जाए तो प्रदेश के अंदर पता तो है, लेकिन आज आप लोगों की अगर मांग के ऊपर काम हो तो आप लोग काम करें तो कितना अच्छा लोकतंत्र के अंदर। आम जानकारी अभी रुके हुए हैं तो आम जानकारी बाधित है, सरकार को भी पता है इस बारे में अधिकारियों को भी पता है इस जी, पर उसके बावजूद सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान इस बारे में लिया नहीं है। नहीं लिया है। 3 बजे तक हमारी स्टेट यूनियन का फैसला आएगा, उस अनुसार हमारा ये धरना प्रदर्शन जो है वो आगे की रणनीति अनुसार आगे भी जारी ही रहेगा। तो सरकार आज भिवानी के अंदर तो आवाज निकल चुकी तैयार है हरियाणा सरकार, अब करो वाली नीति स्टेट बॉडी से जो भी स्टेट बॉडी से जो भी आदेश आएंगे उसी हिसाब से आगे की रणनीति पटवारी एवं कर्ण एसोसिएशन आगे बैठे हैं एक सवाल उन तो ले लो लास्ट का अब क्या होगा। तो आज आमरण अनशन की बात आ गई है तो अब आमरण अनशन ऊपर कितना ऐसा है देखो अब जो पटवारी 10 पटवारियों के ऊपर ये ब्लेम लगाकर हरियाणा सरकार ने उसको मतलब बदनाम करने की कोशिश की है, जबकि पटवारी जो है वो एक मैनुअल काम करता है अपने हलके का और उस हलके के अंदर जो भी कार्य देखता है जो भी चीज़ देखता है उसका इंद्राज करता है अपने रजिस्टर में, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करता और बाकी सभी PP परिवार पहचान पत्र का कास्ट वेरिफिकेशन हमने किया है, कोरोना काल में जिनकी डेथ हुई उनको पेमेंट करे हमने फार्म हमने भरवाए हैं
घर घर जाकर हमने सारे कागजात इकट्ठे किए। आज फिर दूध में मक्खी तरह निकाल के बाहर फेंक दिए और आरोप लगा दिए। जिस प्रकार से दूध में मक्खी गिर जाती है उसको बाहर फेंक देते हैं, इसी प्रकार पटवारियों को आज मतलब इस मुकाम पे खड़ा कर दिया। जो पीछे हमने काम किया उसको सब खत्म है कि पटवारी जो किसान थे लड़ाई थे वो भूखे पेट को लड़े थे और पहले पेट सेवा जरूर कर थे तब वो किसान जीत गए थे। तो पटवारी भी आज संतरे केड़े खा लिए हैं, नाश्ता कर लिया है, अब ये डिनर आ गया। क्या क्या आ गया सर पटवारी जी? सर जी ये जो है हमारे पटवारी साथियों के लिए ये नाश्ते का प्रोग्राम किया है उन्होंने, इसमें जलेबी और समोसे वगैरह भी है हमारे पटवारी साथियों ने। अगर सरकार सोचे भूखे उठ जाए बाबा के, हाँ भूखे नहीं है, लेकिन सरकार ने हमें बिल्कुल जो है ना नाजायज तंग किया है और झूठे नोटिस जो जारी किए हैं ये बिल्कुल गलत है। इसमें पटवारी का कोई रोल नहीं है, पटवारी ने केवल मौके पर जाके जो गिरदावरी की है वो सही की है और उसके बावजूद भी पटवारी को नोटिस दे दिया गया है, वो बिल्कुल गलत है। ये तो पे ग्रेड देने का मैटर है, पे ग्रेड नहीं देना चाहती सरकार, इसने रोला रोला दिया या भाई पटवारियाँ नहीं संभाल जा दो। असली मांग हमारी थी पे ग्रेड की, जो चार साल से फाइल जो है दबी पड़ी है उसको नहीं बाहर निकाल रहे, और आज जो है ना ये मामला उठा दिया गिरदावरी का, रजिस्ट्री जो है ना पटवारिया ने गलत की है। पटवारी का कोई रोल अहम रोल ही नहीं है गिरदावरी में, पटवारी में तो सिर्फ गिरदावरी करता है, रजिस्ट्री तो सिर्फ तहसीलदार आरसी इनका काम है। बताओ पटवारी का क्या मैटर है इसमें? चलो नाश्ता में क्या है दिखा दो। सरकार ने उस बात को जाके रखना है पटवारियों को। हाँ नाश्ता बांटने भी पटवारी है, बन्नू नहीं है कोई आदमी उदमी रख लिया हो, अब बुझ ली हूँ नाश्ता खाने में किया गया पटवारी के, जरूरी है दिखाना, खाना बहुत जरूरी है। आप पटवारी साहब क्या मंगा लिया खाने में? खाने में समोसे और जलेबी आपके लिए भी है, आपके लिए समोसे समोसे जो समोसे जलेबी खा गए आंदोलन करेंगे वो किस तरह होंगे, लेकिन लगता कि भविष्य में ये लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं क्योंकि तैयार है। यह रिपोर्ट थी अच्छी चीज दिखाई मैंने मृत्यु हो जाए भाई खाओगे तो क्यों बोलोगे बिना खाए किसी को क्या बोलोगे जी? लंच का टाइम हो रहा है बिल्कुल ठीक है, घर कोई जाना नहीं, एक बज गया। इन्होंने एक निश्चित कर लिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम घर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो फिर इनको क्या किया कि मैंने कहा कि भी खाने का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इन्होंने कहा हम कुछ भी मीठा नहीं लेंगे, सिर्फ हम एक सिंपल समोसा सिर्फ 5 रुपए का समोसा तो खा सकते हैं, वो भी कैंटीन में पड़ा हुआ वो भी। हाँ चलो ये मिटाने के लिए लड़ाई थी और ये लड़ाई की नीति थी, क्योंकि नीति के अंदर से लड़ाई की बाप निकली है कि आगे आमरण अनशन तक किए जा सकते हैं अगर सरकार जागी नहीं तो। लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छों को बचा रही सरकार उनको बचाने के बजाय सही मायने में तफ्तीश कराए, चाहे CID जांच हो चाहे CBI, किसी से भी जांच करवाओ, किसी से भी जांच करवाओ, पटवारी में इसका कोई भी कसूर नहीं है, पटवारी का पटवारी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, पटवारी सिर्फ और सिर्फ कागज पीटने तक सीमित रह गया है और नहीं कुछ भी, पटवारी कार्य करता है। कोरोना के सिलेंडर डुबा लो चाहे मुर्दे फुकवा लो चाहे ये काम करवा लो, ये पटवारी पर कागज पिटवा लो, लेकिन काम रहा ये, लेकिन माल को इनके नाम का और खा रहा ये, बार बार हर वीडियो के अंदर चिता रहे कि हमारे नाम का माल खा हुआ, हमारे नाम की बदनामी हो, बदनामी से वहाँ हम माल खावे कोई और। तो बांद्री अच्छा चलो यार मैंने बोल दी कल है। तो ये रिपोर्ट थी JNC News से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।